प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ब्लेस करता हूँ और द रोज ऑफ शरोन गॉस्पेल कोर में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली कहानी में हमने जाना था कि परमेश्वर उपाय करता है। उस कहानी में जो हमें सीख मिली थी वो यह थी कि परमेश्वर अपने आज्ञा मानने वालों के लिए सब कुछ प्रदान करता है। वो हमने अब्राहम की बात से जाना था। तो आज जो हमारी कहानी है इसमें परमेश्वर प्रेम करता है, उसके बारे में हम कुछ आगे जानेंगे। तो चलिए आज की कहानी में हम जाते हैं, कहानी 6 में। प्रभु यीशु ने लूका 15 में एक कहानी सुनाई कि एक जमींदार पिता के दो पुत्र थे। छोटे पुत्र ने एक दिन अपने पिता से संपत्ति से अपना भाग मांग कर उस संपत्ति को दूर देश जाकर कुकर्म में उड़ा दिया और उस देश में जब अकाल पड़ा तो उसके पास न तो खाने को कुछ था और न कुछ अच्छा पहनने को। उसके पास कोई भी जॉब भी न था। वो भूखा होकर सुअर चराने तक को राजी हो गया। एक दिन वह जब भूख के मारे सुअर की फल्ली खाने की सोच रहा था तभी उसे याद आया कि उसके पिता के घर में तो नौकरों को भी अच्छा खाने को मिलता है। तो उसने विचार किया कि मैं अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा और एक नौकर के समान ही अपने पिता के घर में जाकर रहूंगा। जब वह अपने पिता के घर आया तो उसके बूढ़े पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया और उसके लिए बड़ी दावत दी और नए कपड़े पहनाए। उसका स्वागत पूरे दिल से किया और उसकी सोच से बढ़कर फिर से पिता का प्यार दिया। जी मित्रों, तो इस कहानी के जरिए में जो सीख मिलते हैं कि हमारे पिता के घर में हमारी सोच से ज्यादा भरपूरी है, वो हमसे प्यार करता है। तो परमेश्वर हमारा पिता है और उसका घर उसका राज्य, मतलब हमारा घर हमारा राज्य। तो हमारे पिता के घर में हमारी सोच से भी ज्यादा भरपूरी है, वो हमसे प्यार करता है, हम चाहे कैसे भी हो। लेकिन हम अपने पिता के लिए अगर सोचे तो पिता तो हमें हमेशा इतना ही प्यार देता है जितना वो हमसे पहले से करता है। तो दोस्तों, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर से प्रेम करें क्योंकि वो भी हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर की महिमा करें, वचनों पे चले, विश्वास करें, प्रार्थनाएं करें, एक दूसरे के लिए प्रेम रखें और परमेश्वर में बने रहें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।